हेलो डियर व्यूअर्स, ब्रिक ट्रांसलेशनल हेल्थ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट की ओर से वैकेंसी आ रही है जिसकी डेट है 26 मई 2024। यह वैकेंसी आई हुई है, बहुत सारे पोस्ट के लिए वैकेंसी है जिसमें लैब सेफ्टी, बायो सेफ्टी लेवल, लैब डाटा मैनेजमेंट, बायो ऐसे ऐसे बहुत सारे पोस्ट है। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पोस्ट से। मैंने इसकी जो लिंक है यह डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, वहां से आप ये जो एडवर्टाइजमेंट है यह डाउनलोड कर लेना। फर्स्ट जो पोस्ट है वह प्रोजेक्ट मैनेजर की रहेगी, जिसमें एमडी, एमडीएस, डॉक्टरल डिग्री इन साइंस, हेल्थ साइंस विथ एटलीस्ट 3 ईयर पोस्ट क्वालिफिकेशन, रिलेवेंट क्लिनिकल रिसर्च एक्सपीरियंस, एमबीबीएस डॉक्टरेट लेवल का ये पूरा एजुकेशन है। तो इसकी पोस्ट है जो कि वॉक इन इंटरव्यू रहेगा 1 जून 2024 के लिए। वॉक इन इंटरव्यू है, ऑफलाइन मोड से आपको यहाँ इंटरव्यू देना है। पे स्केल बहुत अच्छा है। क्लिनिकल कोऑर्डिनेटर है जिसमें एमबीबीएस, एमडीए, डीएनबी, एमबीबीएस, एमपीएच ऐसे क्वालिफिकेशन है। और वन पोस्ट है 1,21,000 इसका पे स्केल है, 35 ईयर्स इसका एज लिमिट है, और वॉक इन इंटरव्यू जो रहेगा 1 जून का रहेगा। नेक्स्ट जो वैकेंसी है, बाकी की इंफॉर्मेशन आप एडवर्टाइजमेंट से डिटेल में पढ़ लेना। हेड नर्स, सीनियर स्टडी नर्स यह पोस्ट है जिसकी क्वालिफिकेशन डिटेल है, डिप्लोमा इन नर्सिंग और मिडवाइफरी, जीएनएम और इक्विवेलेंट एंड रजिस्टर्ड नर्स, और एएनएम विथ एनी स्टेट नर्सिंग काउंसिल विथ 2 ईयर ऑफ पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस इन द रिलेवेंट फील्ड। तो नर्सिंग का कोई भी एएनएम, जीएनएम या डिप्लोमा कोई भी कोर्स चाहिए। वन पोस्ट है 58,080 रुपीज इसकी पे स्केल रहेगी, और 35 ईयर्स इसकी एज लिमिट है, जिसका इंटरव्यू फ्रेंड 3 जून का है। डिजायरेबल एक्सपीरियंस इसमें रहेगा, एक्सपीरियंस इन क्लिनिकल रिसर्च इन डोमेन ऑफ मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ, वेल वर्स विद गुड क्लिनिकल प्रैक्टिस। तो ये इसका डिजायरेबल रहेगा, एक्सपीरियंस ऐसा होना चाहिए। देन प्रोजेक्ट टेक्निकल ऑफिसर है, फील्ड सुपरवाइजर, 2 पोस्ट है, 38,720 इसका पे स्केल है, और 30 ईयर एज लिमिट है। डेट ऑफ इंटरव्यू जो है वह 1 जून 2024 का है। यहाँ जो एजुकेशन दिया हुआ है, ग्रेजुएट डिग्री, बीएमएलटी रिलेवेंट सब्जेक्ट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद 5 ईयर ऑफ पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट, और मास्टर डिग्री इन साइंस एमएलटी रिलेवेंट सब्जेक्ट फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। ये जो एड है ये अपने पोस्ट के, दैट मीन्स डीएमएलटी बीएमएलटी स्टूडेंट के लिए होगी। यहाँ ग्रेजुएट डिग्री चाहिए, बीएमएलटी चाहिए, बीएमएलटी हो या एमएलटी हो या मास्टर डिग्री, कोई भी साइंस की कोई भी फील्ड से हो। डिजायरेबल क्या है, दैट मीन्स एक्सपीरियंस कौन सा चाहिए, एक्सपीरियंस इन क्लिनिकल रिसर्च इन डोमेन ऑफ मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ, गुड कम्युनिकेशन स्किल, पेशेंट काउंसलिंग का गुड कम्युनिकेशन स्किल चाहिए, एक्सपीरियंस इन इन्फंट सैंपल कलेक्शन, इन्फंट का छोटे बच्चे का सैंपल कलेक्शन का एक्सपीरियंस चाहिए। तो ये जो पोस्ट है फ्रेंड ये अपने फील्ड से रिलेटेड है, दैट मींस लैब टेक्नीशियन के फील्ड से रिलेटेड है। पे स्केल बहुत अच्छा है, 38,720 इसका पे स्केल है, और 2 पोस्ट यहाँ आए हुए है, यहाँ अच्छे से पढ़ लीजिए और इस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। ये पोस्ट मुझे आपसे बतानी थी, आपने अगर नर्सिंग कर रखा है तो ऊपर वाली पोस्ट आपके लिए है। देन आगे की भी बहुत सारे पोस्ट है, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, अगर आप थेरेपिस्ट है तो वो कर सकते हैं। देन टेक्नीशियन क्लिनिकल, ये पोस्ट है। देन नेक्स्ट है, ये तो इंजीनियरिंग के लिए, इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के लिए है। देन नेक्स्ट पोस्ट है टेक्नीशियन फील्ड, ये भी इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है। आगे के बहुत सारे पोस्ट है, टेक्नीशियन लैब, ये भी इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है। बहुत सारे पोस्ट में ग्रेजुएशन डिग्री चाहिए और इसका पे स्केल भी बहुत अच्छा है। ये पूरी एडवर्टाइजमेंट, इसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, आप इसे अच्छे से पढ़ लीजिए और इसे अप्लाई जरूर कीजिए। स्पेशली लैब टेक्नीशियन के लिए मैंने आपको यह बताना था
जो मैंने आपको बता दिया है आप इसे पढ़ लीजिए और वॉक इन इंटरव्यू में प्रेजेंट रहिए। अगर आपको यह इंफॉर्मेशन अच्छी लग रही है, इंफॉर्मेटिव लग रही है, तो इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स से शेयर कीजिए जिसे इसकी जरूरत है, उनको यह शेयर कीजिए, आप भी अप्लाई कीजिए। और फ्रेंड अपने चैनल ऐसे एजुकेशन को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। और फ्रेंड अगर आपको लैब टेक्नीशियन, लैबोरेटरी साइंटिफिक ऑफिसर, लैब असिस्टेंट, इस डीएमएलटी बीएमएलटी से रिलेटेड किसी भी एग्जाम का अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो हमारे ऐसे एजुकेशन के चैनल पे बहुत सारा स्टडी मटेरियल अवेलेबल है, यूट्यूब के वीडियोस बहुत सारे अवेलेबल है। अगर आपको ऑफलाइन मोड में यह स्टडी मटेरियल चाहिए तो उसके लिए भी मैंने वहां डिस्क्रिप्शन में दे रखा है कि किस तरह आप वह स्टडी मटेरियल ले सकते हैं। अगर आपको स्टडी मटेरियल अवेलेबल कराना हो चाहिए तो आप वो वे फॉलो करके आपको स्टडी मटेरियल मिल जाएगा। और फ्रेंड बने रहिए अपने चैनल पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल द एंड। थैंक यू।